हम हिंदुस्तानी में अब बात करते हैं बंगाल की जनता के मूड की, क्योंकि बंगाल के दमदम विधानसभा सीट की महिला वोटर्स कह रही हैं कि वो दीदीदार से तंग आ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी के लिए तोलाबाजी कटमनी देनी पड़ी। और जी हिंदुस्तान संवाददाता लक्ष्मी उपाध्याय की ये बेहद खास रिपोर्ट आप देखिए। हम हिंदुस्तानी इस वक्त हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। एक तस्वीर पूरे पश्चिम बंगाल से हम हिंदुस्तानी आप तक पहुंचा रहे हैं और बंगाल की दमदम विधानसभा सीट के समीकरण जानने के लिए पहुंची हूं, जहां के समीकरण क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। यहां तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यहां अब तक की मैं बात करूं तो 2016 में टीएमसी को यहां पर जीत मिली, लेकिन इस बार यहां की जनता का क्या मूड है ये मैं आपको बताऊंगी। दमदम विधानसभा सीट पर इस बार क्या समीकरण बना रहे हैं आप लोग, किसको वोट दीजिएगा? भाजपा को वोट दूंगा। किसको वोट दीजिएगा? भाजपा का, बीजेपी। आप तो पट्टा ही पहन लो। एकदम। महिलाओं पर भी लगातार हमले हुए। ममता बनर्जी लास्ट में अपना गोत्र बताती हैं, ममता बनर्जी धमकी देती हैं। इस सबसे क्या यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और परिवर्तन का मन बना चुकी है? महिला का कोई सम्मान नहीं है यहाँ पर। नहीं, परिवर्तन तो जरूर चाहिए, क्योंकि अगर उनको ये विश्वास है अपने ऊपर कि यह परिवर्तन ही की जरूरत नहीं है तो इतना खेला खेला की बात क्यों हो रही है। हम औरतें जो यहाँ है पश्चिम बंगाल में, अब हमारे लिए नौकरी ढूंढने जाओ तो उसके लिए भी पैसा दो। अगर हम गरीब है, हमको पैसा देना नहीं आएगा तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा फिर? चुकी और भी तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि यहाँ का युवा क्या समझता है। क्या युवा को 10 साल में कोई अवसर यहाँ पर मिले आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला। हाँ। 10 साल में कुछ नहीं मिला। इस बार क्या मन बनाए? बीजेपी सरकार आएगा। इस बार क्या मन बनाए? बीजेपी सरकार। देखिए दीदी, जो मैनिफेस्टो बना के सीपीएम को हरा के बंगाल में आई थी और यहाँ के सारे पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास 10 साल में उन्होंने तोड़ा ही नहीं, लूट किया है, लूट और लूट के अपने भतीजे को शहंशाह और बादशाह बनाने की कोशिश की है। दमदम विधानसभा सीट पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में हूँ और पश्चिम बंगाल से हर एक तस्वीर आप तक पहुँचा रही हूँ। इस वक्त कैमरा पर्सन नितिन के साथ लक्ष्मी उपाध्याय, दमदम विधानसभा सीट बंगाल। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की धमकी वाले बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से अब शिकायत की। ममता बनर्जी के बयानों पर पाबंदी चुनाव आयोग लगाए, बीजेपी की मांग है बंगाल में हिंसा फैलाना चाहती है ममता, ये बीजेपी ने कहा। भड़काऊ बयानों से हिंसा फैल सकती है, बीजेपी आशंका जाहिर कर रही है। और चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि गलत बयानबाजी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तो बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई है। चुनाव आयोग को कहा, शिकायत की, जिस तरीके से ममता बनर्जी भड़काऊ बयान दे रही है उससे माहौल खराब हो सकता है। मुख्यमंत्री डराना, धमकाना, गलत भाषा प्रयोग करना यही चिंता में डालती है। चुनाव हारने की डर से ये भाषा आती है। उनकी बयान, उनको चुनाव आयोग अटक लगाए, ये संविधान पद पे बैठ के ऐसे विषय नहीं कहनी चाहिए। समाज में जब जिम्मेदार लोग ऐसे कहते हैं तनाव पैदा होती है, हिंसा की ओर लोग चले जाए समाज में।